ইয়াৰ পিছতে মই অসম যাত্ৰা কৰিবলৈ মানে সভাপতি যিজনে ইয়াৰ দলৰ জৈন দলৰ আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ইয়াত সাধাৰণ যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে। मार्गदर्शन करने वाले जिनकी
देख रेख में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। ऐसे कुशल संगठक और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री बी एल संतोष साहब, आदरणीय पवन शर्मा जी, आदरणीय जामपाल जी, आदरणीय पंडिता जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, नवनिर्वाचित विधायकगण और उपस्थित मतदान मित्रों, सभी लोगों को एक लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि आसाम का नया मुख्यमंत्री कब होगा। मैं समझता हूँ कि इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई और आसाम के नए मुख्यमंत्री आज आसाम के सामने हेमंत विश्व शर्मा जी के रूप में हैं। आप सभी लोगों ने इस निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में जो सहयोग प्रदान किया, जो उदारता दिखाई, जो अनुशासन का परिचय दिया और इस प्रक्रिया को पूर्ण किया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और अपनी ओर से आप सब का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी राज्य में निर्वाचन संपन्न होना, निर्वाचन के बाद बहुमत प्राप्त होना और बहुमत प्राप्त होने के बाद विधायक दल के नेता के रूप में चयनित होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी घटना होती है। हेमंत विश्व शर्मा जी के जीवन में यह परिस्थिति पैदा हुई कि आप सब के समर्थन से आसाम के मुख्यमंत्री बनने का उनके जीवन में यह मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में और विधानसभा के निर्वाचन में भी एक कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका निर्माण करने का अवसर मिला और इसीलिए मैं आप सब के मध्य उपस्थित हूँ। मैं आप सब की ओर से भी, अपनी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हेमंत जी पिछले कार्यकाल में भी इस राज्य के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, सोनोवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, अतुल जी भी उनके साथ काम कर रहे थे। मैं जब निर्वाचन के समय यहाँ आया था तो स्वाभाविक रूप से मुझको एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। मैं लगभग 22-23 साल का था तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अपने राज्य में भी काम करता रहा और जब जब पार्टी ने आदेश दिया तो दूसरे स्थान पर भी काम करने के लिए मैं गया। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नए अनुभव जीवन में जोड़ते ही हैं। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है और मैं इस बात को गर्व के साथ पूरे देश में लगातार कहता हूं कि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार आसाम में 5 वर्ष काम की, उस सरकार की लोकप्रियता पूरी तरह बरकरार थी। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बड़ी थी। न तो मुख्यमंत्री के बारे न मंत्रियों के बारे कोई भी टिप्पणी नहीं करता। चुनाव के दौरान एक मेरे यहाँ के कार्यकर्ता थे, उनके एक रिश्तेदार थे, वो कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे थे। मुझे उन्होंने कहा कि आप अगर एक बार उनके घर मिलने चलेंगे तो शायद हम उनको
अपनी ओर लाने में सफल हो पाए। मैंने उनको कहा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका परिवर्तन करना कठिन होगा, और हम लोग जाएं और वो समर्थन न करें ये भी अच्छा। तो बात काफ़ी बहस के बाद ये तय हुई कि आप बात मत करिएगा लेकिन हमारे कहने से चाय पीने चलिएगा। मैं कहा ठीक है चलो, जान पहचानी होती है तो सूचना मिलेगी तो मैं उनके घर चाय पीने के लिए गया। उनसे बात करने के बाद उन्होंने जब ये कहा कि साहब मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ और इस चुनाव में भी काम करता ही रहूँगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूँ आसाम की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चाह रही है और आपकी सरकार ही बनेगी। 5 साल सरकार बनाने के बाद और चलाने के बाद अगर हमारी विश्वसनीयता स्थिर रहती है तो मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके जीवन में इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। और इसलिए जो 5 साल सर्वानंद सोनोवाल जी ने इस सरकार को देकर तो दिया, उनकी सभी अच्छी नीतियाँ उसका क्रियान्वयन और उसके कारण जो पूरी जनता ने पार्टी और एनडीए की साथ बनी उसके लिए मैं सोनोवाल जी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। मित्रों हम सब जानते हैं कि हम सभी लोग राजनीति में अगर आए हैं तो एकाएक और विरासत के कारण नहीं आए, चाहे वो एजीपी हो, चाहे हमारे प्रमोद बोरो जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, यह सब एक लंबे संघर्षशील आंदोलन की पैदाइश है। और जो दल और जो कार्यकर्ता आंदोलन और विचार से पैदा होता है उसके मन में हमेशा देश का हित और विचार का हित सर्वोपरि रहता है। आज फिर हम एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर विगत 5 वर्षों में आसाम को एक सफलतम नेतृत्व दिया, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उससे भी ज्यादा सफलता आगामी 5 वर्षों में हमारे एनडीए विधायक दल को मिले आसाम की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों तो हम सब जानते हैं कि आज एनडीए की सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी जी हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2014 के बाद जब से मोदी जी ने काम संभाला है तो उनकी प्राथमिकता पर देश और देश की समस्याएं हैं, देश में सुशासन स्थापित हो, देश में कामकाज में पारदर्शिता आए, देश आगे बढ़े, गरीबी समाप्त हो, बेरोजगारी समाप्त हो और हमारे भारतवर्ष का लोहा सारी दुनिया में माना जाए, इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे नेता मोदी जी निरंतर रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं। आप सबको भी अनुभव आया होगा कि एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री को विदेश में लोगों से समय लेकर मिलने के लिए परेशान होना पड़ता। इन 5-7 सालों में नरेंद्र मोदी जी के सफलतम राष्ट्रवादी नेतृत्व ने यह परिस्थिति उत्पन्न कर दी है
कि आज दुनिया के देशों के सभी नेता भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। यह निश्चित रूप से हम सब के जीवन में बड़ी सफलता है और इस सफलता के हम साक्षी बन पा रहे हैं। जब मैंने कहा कि एनडीए में शामिल सभी लोग किसी न किसी आंदोलन की पैदाइश और आंदोलन बिना संघर्ष के नहीं होता, संघर्ष होता है, तो पराजय भी होती है, जय भी होती है। संघर्ष होता है तो शहादत भी होती है। संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए कई पीढ़ियां खप जाती हैं, तब कहीं जाकर किसी एक पीढ़ी को सुंदर दृश्य देखने का मौका मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, चाहे आसाम का आंदोलन रहा हो, चाहे देशव्यापी अनेक आंदोलन रहे हो, आज इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अनेक लोगों ने अपने पूरे जीवन को खपा दिया।